दोस्तों, हम इंसानों में ऊंचाई से डर लगना यह एक आम बात है, जिसे हम एक्रोफोबिया भी कहते हैं। पर उन जीव जंतुओं का क्या जिनका ऊंचाई पर उड़ना एक आम बात है? दोस्तों, हम सभी पक्षियों का ऊंचाई पर उड़ना पसंद करते हैं, लेकिन इस सवाल के बारे में हम सभी ने कभी नहीं सोचा कि क्या पक्षी भी ऊंचाई से डरते हैं। दोस्तों, एक दिन मैं भी ऐसे ही उड़ते हुए पक्षियों को देख रहा था और मेरे मन में भी यही सवाल आया, और फिर मैंने डिटेल में इस पर रिसर्च किया। और यार, आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि पक्षियों को भी ऊंचाई से डर लगता है। पक्षियों का ऊंचाई से डर लगना आप लोगों को ना थोड़ा अजीब लग सकता है, इसलिए चलो मैं आप लोगों को इसके बारे में और अच्छे से बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप जानते होंगे कि वास्तव में एक ऊंची बिल्डिंग या चट्टान के किनारे पर खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। पर रूपिल गिद्ध जैसे पक्षियों की तो बात ही छोड़िए, जो 37,000 फीट तक उड़ सकते हैं। यार, इतनी ऊंचाई पर तो एरोप्लेन उड़ते हैं। दोस्तों, सोचिए अगर आप एक पक्षी होते जो वास्तव में उड़ सकता है, इसमें सबसे डरावना क्या होगा? पहली उड़ान या पहली उड़ान के लिए लिया गया छलांग, है ना? पहली बार आप चट्टान या किसी ऊंचे जगह से छलांग लगाते तो आप इधर उधर फड़फड़ाना शुरू करते, और यही सबसे कठिन हिस्सा होता। दोस्तों, अभी आप आधा उत्तर तो समझ चुके हो, लेकिन पूरा बात जानना अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। जब पक्षी ऊंचाई से डरते हैं तो यह उनकी पहली उड़ान होती है, जिसे हम फ्लेजलिंग कहते हैं, यानी पक्षी के वह बच्चे जो उड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह वह पक्षी जो अपने पहले उड़ान के लिए तैयार होते हैं। पक्षी धीरे धीरे सीखते हैं और अपना आत्मविश्वास हासिल करते हैं। दोस्तों, बाज छोटी छोटी छलांग के माध्यम से ऊंचाइयों और उड़ान के अपने डर को दूर करते हैं और आत्मविश्वास हासिल करते हैं। कुछ छोटी उड़ानों के बाद यह बाज बड़ा हो जाने पर ऊंचाइयों के अपने सारे डर को खो देगा। दोस्तों, सिर्फ बाज ही नहीं, और भी पक्षी की प्रजातियां हैं जो ऊंचाई के अपने डर को दूर करना सीखते हैं। इसी तरह फैल्कन बर्ड भी पहले किनारों पर अपने पंखों को चेक करते हैं और ऊंचाइयों और उड़ने के अपने डर को दूर करते हैं। दोस्तों, इसी तरह अपने डर को खत्म करके उड़ना सीखने में पक्षियों की कुछ प्रजातियों को ज्यादा समय लगता है, तो कुछ पक्षी दूसरों की तुलना में ऊंचाई से बहुत कम डरते हैं। दोस्तों, ये आर्कटिक गीस के बच्चे हैं। ये चूजे किसी माहिर स्काई डाइवर के जैसे चट्टान के किनारों से सीधे कूद जाते हैं। यार, सच में ये हैरान करने वाला और डरा देने वाला दृश्य है। ये पक्षी सच में बहुत ही निडर हैं। दोस्तों, इसी तरह मैगपाई पक्षी के बच्चे हिलने और उड़ने से बहुत डरते हैं, शायद ऊंचाई से डर के कारण। पर फिर इसके माता पिता इसका साहस बढ़ाते हैं और आखिरकार यह उड़ जाता है। दोस्तों, यह तो पक्षी के छोटे बच्चे थे जिन्हें अपने पहले उड़ान के दौरान डर लगा। पर बड़े पक्षी भी होते हैं जिन्हें डर लगता है। दोस्तों, ये वो पक्षी हो सकते हैं जिसने कभी उड़ना ही ना सीखा हो, या बहुत लंबे समय से उड़ान ना भरा हो। हो सकता है कुछ चूजे जो छोड़ दिए गए हों, जिनके पास साहस बढ़ाने के लिए माता पिता नहीं थे, वो ऊंचाई के अपने डर को दूर करने के लिए प्रेरणा खो सकते हैं। इसी तरह कोई पालतू पक्षी या फिर ऐसा पक्षी जिसका पंख किसी वजह से कट गया हो, वो भी ऊंचाई से डर सकता है। दोस्तों, ऐसा पक्षी अधिकतर एक तोता होता है, जिसे इंसान पालतू बनाकर घर पर रख लेते हैं, और कई बार इसीलिए ये बेचारे बिल्ली के आसान शिकार भी बन जाते हैं। यार, हम इंसानों को ना किसी भी प्रकार के पक्षियों या जीव जंतुओं के आजादी को छीनने का कोई हक नहीं है। वैसे मैं जानता हूँ आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और किसी को करने भी नहीं दोगे। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। यार, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार।